दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया है। पूछताछ के लिए जारी नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर है। सोमवार को ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को सुबह 11 बजे अपने दिल्ली कार्यालय में बुलाया है। यह पहली बार है जब केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है। इससे पहले सीबीआई ने उन्हें अप्रैल में इस मामले में पूछताछ की थी। वही नोटिस के बाद 31 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार की ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। एक निजी चैनल से बातचीत में आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी आपके शीर्ष नेताओं को जेल भेजकर पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपके खिलाफ इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वह चुनावों में केजरीवाल को नहीं हरा पा रही है।